हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आज आपका चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट वन मैं आपको कल दे चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि बोर्ड मास के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत ही बेसिक तरीके से। आज मैं उसी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, 1/2 / 3/4 / 2/3 / 2/3 / 3 = 2/3 तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इस अंश को सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2 क्योंकि भागा है, 3/2 को का पड़ेगा 4/3 गुणे 2/3 का पड़ेगा 3/2। ऐसा कैसे हुआ दोस्तों, इसको मैं आपको बताता हूं। यहाँ 1/2 / 3/4 है आपका, तो भागा है तो एक पोर्शन आपका नीचे जाएगा, 1/2 / 3/4 होगा ना। तो भिन्न में आप क्या करते हैं, सबसे नीचे को सबसे ऊपर ले आते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, और इस 3 को यहाँ 2 के साथ रख देंगे, 2/3 हो जाएगा। यही वैल्यू तो मैं यहां भी लिखा हूं, तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे कि ए भागा को गुणे में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब गुणे में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, 3 का 3/4 / 4/3 हो जाएगा, 2/3 / 3/2 हो जाएगा, यानी ऊपर का नीचे अंश का हर का अंश हो जाता है। अब दोस्तों आपका बटे 1/2 है, भागा 3/4 है, तो इसको का वैल्यू हम आपको कल बताए हैं, का मतलब भी होता है गुणा, तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो गई आपका, क्योंकि मल्टीपल में है तो 3 × 12 / 6 × 12 / 1/2 है, भागा आपका 1/2 आया, तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर चला जाएगा, 12/2 / 12/1 / 1/2। अब दोस्तों क्योंकि ये भागा है, तो जब गुणा में होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 12/2 / 2/12/1/1, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आपका 4 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों इसको समझाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। साधारण बदलने के लिए आपको भागा का जब गुणा करेंगे तो ऊपर का नीचे अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, 1/2 × 4/3 × 3/2 / 2/1/2 भागा 3/4 है, का मतलब भी गुणा ही होता है दोस्तों, तो गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 = 4 आपका 1/2 ए हो जाएगा। और दोस्तों इसको जब गुणा कर लेंगे तो आप 12/12 हो जाएगा, अब 1/2, तो सबसे नीचे के सबसे ऊपर जाता है, 12/2 / 12/1 हो गया, और भागा 1/2 है, तो यहाँ भी भागा को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 12/2 / 2/12/1 / 1, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 = 4 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, एक ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 1 − 1/2 / 2 − 1/3 − 1/4 − 1/5 · · · · 1 − 1/10। तब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करें, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या होगा, किसी भी अंक के नीचे बटे 1 कर देंगे तो मान में परिवर्तन होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2 − 1 = 2 − 1 = आपका हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ दोस्तों फिर किसी भी अंक में भाग दे रहे हैं, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका हो क्या जाएगा, 3 × 3 − 1 = 2/3, फिर आपका हो जाएगा 4 × 4 − 1 = 3/4, फिर आपका हो जाएगा 5 × 5 − 1 = 4/5 · · · 10 × 10 − 1 = 9/10। तो आप देख क्या रहे हैं दोस्तों, हो क्या रहा है, 1/2
गुणे दो बटे तीन गुणे तीन बटे चार गुणे चार बटे पांच डाट 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 नौ बटे दस, यानी ये सीरीज चल रही है। कैसे? एक बटे दो गुणे दो बटे तीन गुणे तीन बटे चार गुणे चार बटे पांच गुणे, यानी दोस्तों एक बटे दो दो बटे तीन तीन बटे चार चार बटे पांच, यहाँ आपका क्या होगा पांच बटे छह, यहाँ छह बटे सात, यहाँ क्या होगा सात बटे आठ। इसी तरह से आपका सीरीज चला है, नौ बटे दस तक गया है। तो आप देख क्या रहे हैं, दो से दो कैंसिल हो गया, तीन से तीन कैंसिल, चार से चार कैंसिल, पांच से पांच कैंसिल, छह से छह कैंसिल, ऐसे सोवान आपका नौ भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहां होगा आपका आठ बचे नौ गुणे नौ बटे दस, तो आपका टोटल कट जा रहा है। बस क्या रहा है, अंश में आपका एक बच रहा है, हर में आपका दस बच रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक बटे एक माइनस एक बटे दो एक माइनस एक बटे तीन एक माइनस एक बटे चार एक बटे एक माइनस एक बटे पांच डाट 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 एक माइनस एक बटे दस, तो इसका वैल्यू आपका क्या है, दो कैनम दो माइनस एक बटे दो आया, इसका वैल्यू दो बटे तीन, इसका वैल्यू तीन बटे चार, इसका वैल्यू चार बटे पांच डाट 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 पांच बटे नौ। तो आप देख पा क्या रहे हैं, पहले वाले हर से दूसरे का अंश कट जा रहा है, फिर दूसरे वाले हर से तीसरे का अंश कट जा रहा है, फिर दूसरे तीसरे वाले हर से चौथे वाला का हर कट जाए, ऐसे दो दो डाट 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 टोटल आपका कट जाएगा, बचेगा क्या एक, और यहाँ क्या बचेगा दस, आपका आंसर हो जाएगा एक बटे दस। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा किसी और सेशन में ले लूंगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, दो सही एक बटे तीन का पावर माइनस वन, एक सही एक बटे चार का पावर माइनस वन का एडिशन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सिंपल भिन्न में हम बदल लेते हैं, तो तीन गुना छह सात बटे तीन का पावर माइनस वन प्लस चार गुना चार दिन सात बटे चार का पावर माइनस वन। अब आप देख रहे हैं दोस्तों पावर क्या है, निगेटिव का माइनस वन है, माइनस वन है, तो इसको बदलने के लिए दोस्तों आपका अंक ऊपर का अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तीन बटे सात प्लस चार बटे सात हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पावर माइनस है। अब सात एलसीएम आप ले लेंगे तो आपका हर समान है, इस वजह से तीन प्लस चार ऐड हो जाएगा, तो सात बटे सात आपका आंसर हो जाएगा एक। या इस क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं आप, सात बटे तीन पे पावर माइनस वन प्लस सात बटे चार पे पावर माइनस वन, माइनस वन है यानी दोस्तों ये एक बटे सात बटे तीन है, और यह वैल्यू आपका क्या है एक बटे सात बटे चार है। अब इसको दोस्तों नीचे का ऊपर जब जाएगा, आपको जैसा कि पता है भिन्न में ऐसा होता है, तो ये फिर हो जाएगा तीन बटे सात प्लस चार बटे सात, आप फिर जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सात बटे सात, फिर आंसर आपका एक ही होगा। चाहे दोस्तों आप इस तरह से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सेम ही होगा। इसमें मैंने दोस्तों क्या किया, डायरेक्ट कर दिए कि तीन बटे सात, क्योंकि दोस्तों पावर निगेटिव वन है तो यही वैल्यू इस फॉर्म में है, लेकिन इसको पावर माइनस चढ़ा दिया गया है, तो ऊपर हो गया है, इसको हम डायरेक्ट तीन बटे सात प्लस चार बटे सात कर दिए, चार दिन सात बटे सात कर दिए तो आपका आंसर हो जाएगा। और इसी को दोस्तों ऐसे समझाने के लिए कि एक सात बटे तीन पावर माइनस वन प्लस सात बटे चार पावर माइनस वन है, यानी माइनस वन है तो ये बटे हुए है, एक बटे सात बटे तीन है यह वैल्यू, और यह वैल्यू एक बटे सात बटे चार है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका एक ही आंसर आएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एक बटे दो गुणे एक प्लस एक बटे दो गुणे तीन प्लस एक बटे तीन गुणे चार प्लस एक बटे पांच चार गुणे पांच प्लस एक बटे पांच गुणे छह का सरलतम रूप। तो सबसे पहले दोस्तों इस गुणे को हम गुणा कर लेंगे, एक बटे दो इकन दो प्लस
एक बटे तीन दूना छह प्लस एक बटे चार तिहाई बारह प्लस एक बटे चार पचे बीस प्लस एक बटे पांच छह का तीस। अब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, दो छह बारह बीस तीस का एलसीएम, दो कन दो दो तीजा छह दो छह का बारह दो कन जीरो दो कन दो दो पचे दस, फिर दो से दो तीजा छह दो पचे दस एक पंद्रह, फिर तीन से भाग देंगे तीन तीन कलम तीन तीन कलम तीन और ये हो जाएगा पांच और तीन पचे पंद्रह, फिर पांच से भाग देंगे एक 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 तीन एक पांच कलम पांच पांच कलम पांच, तो आपका एलसीएम क्या हो गया पांच या पंद्रह दुना तीस दुना साठ, आपका एलसीएम क्या आ गया साठ, साठ आपका एलसीएम आ गया। तो दो से भाग देंगे तीस एक कलम तीस हो जाएगा, फिर छह से भाग देंगे तो आपका दस हो जाएगा प्लस बारह से भाग देंगे तो आपका पांच हो जाएगा, फिर बीस से भाग देंगे तो आपका तीन हो जाएगा, फिर तीस से भाग देंगे तो आपका दो हो जाएगा। अब इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो दो तीन पांच पांच दस दूना बीस तीस बीस पचास, पचास बटे साठ को जब आप भाग देंगे जीरो से जीरो कट जाएगा तो पांच बटे छह आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझाते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया हर का मल्टीपल कर लिए, तो दो कलम दो दो तिहाई छह चार तिहाई बारह पांच चौका बीस छह पचे तीस, फिर हमने इसका एलसीएम लिया जो साठ आया। अब दो से डिवाइड करिए तो तीस कलम तीस हो गया, फिर छह से डिवाइड किए तो छह दशमलव साठ दस दस से गुणा किए दस कलम दस यहाँ पांच यहाँ तीन यहाँ दो और ऐड कर दिए पचास आ गया, पचास बटे साठ कर दिए तो जीरो से जीरो कट गया आपका आंसर हो गया पांच बटे छह। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, पांच प्लस पांच गुड़े पांच बटे पांच गुड़े पांच प्लस पांच गुड़े एक बटे पांच भागा एक बटे पांच का एक बटे पांच बटे एक बटे पांच का एक बटे पांच भागा एक बटे पांच का सरलतम रूप क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दोस्तों इस पोर्शन को अलग आप सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, पांच प्लस पहले हम गुणा करते हैं तो ये पच्चीस हो गया बटे ये पच्चीस हो गया प्लस पांच हो गया, पांच पचे पच्चीस प्लस पांच फिर गुणे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों जैसे आपको जैसा कि आपको पता है पहले का को सॉल्व किया जाता है एक बटे पांच भागा एक बटे पांच गुणे एक बटे पांच, क्योंकि दोस्तों का मतलब ये होता है गुणा बटे एक बटे पांच गुड़े फिर का आ गया एक बटे पांच भागा एक बटे पांच। तो अब दोस्तों पच्चीस प्लस पांच क्या हो गया तीस, ये पच्चीस प्लस का पांच आपका क्या हो गया तीस गुड़े, यहां दोस्तों पांच पचे पच्चीस है एक बटे पांच भागा पच्चीस आएगा, लेकिन दोस्तों भागा को आप मल्टीपल में जब कन्वर्ट कर देंगे तो आपका पच्चीस बटे एक हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया भी हूं। यहां भी दोस्तों एक बटे पच्चीस है आपका भागा एक बटे पांच है तो जब गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा तो पांच बटे एक हो जाएगा। तो अब दोस्तों तीस से तीस कैंसिल होगा तो आपका एक बचेगा गुणे, और यहां देख रहे हैं दोस्तों पांच से पच्चीस को काटेंगे तो यहाँ पांच बचेगा पांच बचे पच्चीस, और यहां पांच से पच्चीस को काटेंगे तो दोस्तों एक बटे पांच बचेगा। तो अब दोस्तों सबसे नीचे का सबसे ऊपर जाएगा तो पांच गुड़े पांच बटे एक गुड़े इस एक का कोई इसको हम एक मल्टीपल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका पच्चीस आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझाते हैं दोस्तों मैंने क्या किया, पहले इस पोर्शन के इस पोर्शन का अलग साल किया इस पोर्शन का अलग साल किया, इसमें पहले मल्टीपल कर लिए पच्चीस हो गया पांच प्लस प्लस ऊपर हो गया, फिर नीचे भी मल्टीपल कर लिए पच्चीस प्लस पांच यहाँ भी हो गया गुड़े, और इसमें क्या किए एक बटे पांच भागा एक बटे पांच का मतलब गुड़ा होता है तो गुड़े कर दिए एक बटे पांच, नीचे भी वही किया एक बटे पांच गुड़े एक बटे पांच भागा एक बटे पांच। अब क्या किए दोस्तों इसको एड कर लिए तो ऊपर तीस आ गया नीचे भी तीस आ गया गुड़े,
एक बटे पांच यह भागा का सिंबल है, इसको गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, तो हर में आपका 25 है, 25 ऊपर चला जाएगा बटे एक हो जाएगा। यहाँ भी वही किया मैंने, 25 गुणे एक बटे पांच है तो एक बटे पांच भागा को कन्वर्ट किए गुणे में तो पांच ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। अब इसको काट दिए, 30 से 30 कट गया, एक हो गया। यहाँ भी दोस्तों 5 से 25 में भाग दिए तो 5 बचे 25 ऊपर, 5 ऊपर हो गया। अब बटे यहाँ दोस्तों 5 बटे 25 है, 5 से 25 को भाग देंगे तो एक बटे 5 हो जाएगा, फिर ये 5 आपका सबसे ऊपर चला जाएगा तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला दोस्तों बताते हैं कि बीजगणित सूत्र पर आधारित सिंप्लीफिकेशन कैसे पूछता है। चलिए दोस्तों बताते हैं कॉन्सेप्ट इसका। बीजगणित सूत्र पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ फार्मूले है जिसको याद करना बहुत जरूरी है, और उस फार्मूले को आप याद कर ले रहे हैं तो बीजगणित सूत्र पर आधारित प्रश्नों को आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों ये पहला फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। यानी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे तो आप डायरेक्ट ए प्लस बी आंसर दे सकते हैं। जैसे दोस्तों हम बताते हैं कैसे ए प्लस बी आया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी। ऐसे दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम दोस्तों इसको बताएं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, ये कैसे आया दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, और अपान आपका ए माइनस बी है ही, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। यानी दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए माइनस बी तो आप डायरेक्ट ए प्लस बी आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों अगला फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। चौथा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पांचवा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये पांचों फार्मूला आपको याद रहेगा तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है तो आप बीजगणित सूत्र पर आधारित प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इसे लगा सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कि इनका यूज कैसे है। क्वेश्चन है दोस्तों 0.5 × 0.5 × 0.5 + 0.6 × 0.6 × 0.6 × 0.5 × 0.5 − 0.3 + 0.6 × 0.6। तो आप देख पा के रहे दोस्तों 0.5 × 0.5 × 0.5 क्या है, 0.5 का क्यूब है, यानी ए का क्यूब है माइनस ए क्या है बी का क्यूब है बटे ए क्या है ए स्क्वायर। और दोस्तों हाइट 0.3 जो है अगर 0.5 × 0.6 को आप गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6×5 = 30 0.3 ही होगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से बताते हैं दोस्तों ऊपर ए क्यूब सॉरी दोस्तों ये प्लस है प्लस बी क्यूब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.5 × 0.5 × 0.5 अगर इसको ए माना जाए 0.6 × 0.6 इसको बी माना जाए तो ऊपर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे क्या है ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। ए 0.3 जो आप देख रहे हैं 0.5 × 0.6 का ही मल्टीपल 6×35 होता है
तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा 0.30, तो जीरो आप पीछे लिखे है ना, लिखे 0.3 आपका हो जाएगा, यानी a इंटू बी है। तो इसका ट्रिक मैं आपको बताया ही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी 0.5 प्लस 0.6 आप ऐड कर देंगे 1.1 आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे बताएं हम एग्जांपल को, पहले फार्मूले को एक बार और बता लेते हैं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब है आपका, तो आपका क्या होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी, और नीचे आपका दिया ही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो ये टोटल कट जाएगा बचेगा क्या a प्लस बी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस ट्रिक को याद किए हैं इसके बराबर टोटल a प्लस बी ही होता है, तो आप सीधे इतना कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट आप 0.6 और 0.5 को ऐड कर देंगे तो आपका 1.1 आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल बताते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल है दोस्तों 0.6 इंटू 0.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4 बटे 2.6 माइनस 2.4 का सरलतम रूप। तो आप देख पा के रहे हैं दोस्तों, अगर 0.2.6 को ए माना जाए तो क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस 0.2.4 को बी माना जाए बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी, तो इसका मैं क्या आपको बताया हूं ए प्लस बी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.6 प्लस 2.4 इक्वल टू 6 4 10 0 1 4 1 5, यानी आपका 5 आंसर हो जाएगा। अब दोबारा जिसको आप याद कर लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी, और नीचे आपका ए माइनस बी दिया ही है, तो ए माइनस बी जब कटेगा तो आंसर क्या आएगा ए प्लस बी ही आएगा, वही मैं लिख दिया हूं 2.6 प्लस 2.4 इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं अलग सेशन में ले लूंगा। धन्यवाद दोस्तों।